हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडेंट पीडियो। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। xavier कॉलेज रांची ने जो हिंदी ऑनर्स का एग्ज़ाम लिया था उसका रिजल्ट कल आ चुका था। मैं इसको आज अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि वो क्या प्रोसेस है, क्या टाइम पे एडमिशन, किस टाइम पे एडमिशन लेना, और बहुत कुछ पूछ रहे थे, क्वेश्चंस कर रहे थे और बोल रहे थे कि अपलोड कर दीजिए वीडियो। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लाया हूँ। यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट लिखा हुआ है, इसका सेकंड सिलेक्शन प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट भी आता है। और हिंदी का आप एग्ज़ाम दिए, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, आप मार्क्स भी चेक कर सकते हैं, तो आपका सेकंड लिस्ट में ज़रूर आएगा। और ये दोनों का अलग निकलता है, जिनका मार्क्स ज़्यादा अच्छा रहता है उन्हें मॉर्निंग सेक्शन मिलता है और इवनिंग सेक्शन सेकंड, जिसका थोड़ा अच्छा नहीं रहता है उनको मिलता है। और बता दो कि xavier कॉलेज रांची सेकंड लिस्ट जो निकालती है उसमें इंटरनल्स को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ मिलता है। अगर आप इंटरनल है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। और एडमिशन स्टार्ट जो है आपका ये 29 से है, और ये जो चलता है टाइम बैंकिंग आर्ट्स में आप जाइए, आपको एडमिशन वहाँ पर बैंकिंग आर्ट्स में मिलेगा, क्योंकि बैंक पर आपको कैश चलान जो है आपको पे करना पड़ता है पैसा। तो आप एक घंटा या दो घंटा पहले चल जाइए बैंकिंग आर्ट्स से। आपका लास्ट डेट 5 जुलाई है, एडमिशन हॉलीडे के दिन भी चलेगा। आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है, अपना एक्नॉलेजमेंट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, कैश चलान, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है बैंक से पे करने के लिए, अगर आपके पास कैश है तो, और डिमांड डिपॉजिट और डेबिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हैं, पर 1% सर्विस चार्ज लगेगा आपका। और आपको यहाँ पर जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट शो करना पड़ता है, और आधार कार्ड की फोटोकॉपी और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जमा करना पड़ता है। CBSE और ICICI बोर्ड से जो आ रहे हैं उनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ पर सबमिट कर लिया जाएगा। फुल फी आपको पे करना पड़ता है xavier कॉलेज रांची में, और फी जो है एक बार मिल ले मतलब कि रिफंडेबल नहीं है। आप एक बार जो फी ले दे देते हैं उसको वापस नहीं मिल पाएगा आपको। रिक्वेस्ट यहाँ पर कट ऑफ डेट के बाद आते हैं आपका एडमिशन का, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अगर आप फेक सर्टिफिकेट डालते हैं या फेक मार्कशीट और एडमिशन लेने जाते हैं और पता चल जाता है उनको, तो यह डिसीजन प्रिंसिपल के पास है कि वो आपका एडमिशन लेना रखते हैं कि नहीं, वो प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप एप्लीकेशन लिखिए और प्रिंसिपल से बात कीजिए। बायोग्राफिकल डाटा और 4 स्टैम्प साइज फ़ोटो आपको लेकर जाना है वहाँ, जो सबमिट किया जाता है। आप कभी कभी ज़्यादा भी ज़रूरत पड़ जाता है तो अपने ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा लेकर जाइए आप। पेरेंट को यहाँ पर सेलेक्टेड स्टूडेंट का क्या करना पड़ता है, एंटी रैगिंग एफिडेविट करवाना पड़ता है अगर आप इंक्लूज नहीं है तो कभी, और एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट डिक्लेरेशन फॉर्म पर आपको यहाँ पर फॉर्म साइन करना पड़ेगा, जो कलेक्ट कर सकते हैं उसको काउंटर में और डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह है सेकंड लिस्ट वालों का इवनिंग सेक्शन, और इस पर स्टूडेंट अगर देखें तो बहुत कम है, और क्योंकि इसका सेकंड लिस्ट भी आएगा उस पर आपका ज़रूर होगा। अगर आप आपका फर्स्ट लिस्ट पे नहीं हुआ मतलब कि, तो सेकंड लिस्ट पे आपका ज़रूर होगा। और इस पर स्टूडेंट्स कम है क्योंकि सेकंड लिस्ट भी निकलता है, और कभी कभी होता है कि स्टूडेंट्स कम भी रहते हैं और कभी ज़्यादा भी रहते हैं, तो यह डिपेंड करता है कि कितने को एडमिशन लेंगे। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए। मैंने एक वीडियो अपलोड की है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताया है, बहुत आपको फ़ायदा करने वाला है वो वीडियो। और मैं xavier कॉलेज रांची पे ही वीडियो अपलोड करते रहता हूँ, आपको नोटिस प्रोवाइड करता हूँ स्कॉलरशिप्स की वीडियो, कौन से स्कॉलरशिप्स कब आ रही वो बतलाता हूँ। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट है और बेनिफिशियल है ये, तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करता हूँ कि सबका रिप्लाई जल्दी से जल्दी कर सकूँ।